नमस्ते, मेरा नाम अंशुल है और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा एक स्टिंग ऑपरेशन में फंस चुके हैं। जी न्यूज के इस स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ऐसी कई बातों को ऑफ द कैमरा कहने की कोशिश कर रहे थे जो शायद अब पूरी दुनिया को पता चल चुका है, और इस मामले के सामने आने के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में भूचाल आ गया है। चेतन शर्मा इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में कहते हुए ये नजर आ रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच असल विवाद की जड़ क्या है। साथ ही साथ उन्होंने सौरव गांगुली विराट कोहली विवाद पर भी अपनी बात रखी है। ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि प्लेयर्स मेरे पास हाजिरी लगाते हैं, रोहित शर्मा मुझसे फोन पर आधे आधे घंटे बात करते हैं, हार्दिक पंड्या जब भी दिल्ली आते हैं तो मेरे घर में रहते हैं और मेरे साथ इसी सोफे पर बैठते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हमारे बीच जो बातचीत होती है वो कहीं बाहर नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, वो प्लेयर्स की इंजरी पर भी कहते हैं, वो कहते हैं कि कुछ प्लेयर्स फिट रहने के लिए किस तरीके से फेक इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पूरा विवाद क्या है और इस वीडियो में चेतन शर्मा किन किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, किन किन टॉपिक्स पर अपनी राय रख रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं जो शायद अब तक अंदर तक ही थी, वो बाहर नहीं थी, और अब बाहर आने के बाद में उन पर क्या एक्शन होगा, क्या बीसीसीआई की अनुशासन समिति उन पर कोई एक्शन लेगी, सब कुछ जानेंगे। इस स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा सबसे बड़ा खुलासा विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच संबंधों पर करते हैं। चेतन शर्मा कहते हैं कि दोनों प्लेयर्स के बीच कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अहंकार है, ईगो है। दोनों बड़े फिल्मी सितारों की तरह हैं। आप कह सकते हैं अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र। चेतन शर्मा आगे सौरव गांगुली और विराट कोहली विवाद पर भी कहते हैं, साफ करते हैं कि क्या सौरव गांगुली ने विराट कोहली को हटाया था। चेतन शर्मा कहते हैं कि विराट कोहली को लगा कि बीसीसीआई अध्यक्ष की वजह से उन्हें कप्तानी गंवानी पड़ी। चयन समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंस में 9 लोग थे। गांगुली ने उनसे कहा होगा कि इस बारे में एक बार सोच लो। मुझे लगता है कि कोहली ने इसे नहीं सुना। वहां 9 अन्य लोग भी थे, जिसमें मैं भी था और बाकी चयनकर्ता भी थे, बीसीसीआई के अधिकारी भी थे। शायद कोहली ने सुना नहीं होगा, लेकिन सौरव गांगुली ने उन्हें कप्तानी छोड़ने से पहले एक बार सोचने की सलाह तो जरूर दी थी। इस स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा उस बारे में भी बात करते हैं जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी कार्यकाल में कौन से प्लेयर्स को मौका दिया गया। चेतन शर्मा पूरी स्टिंग में बार बार इस बात में जोर देते हैं कि सिलेक्टर्स का काम कतई आसान नहीं होता। वीडियो में वह टीम इंडिया के भविष्य के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि मैंने टीम में सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, शुभमन गिल और 15-20 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें मौका दिया। इसके साथ ही साथ वो हार्दिक पंड्या को भविष्य का कप्तान बताते हैं। कहते हैं कि T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में शुभमन गिल को अवसर देने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे मजबूत प्लेयर्स को आराम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हार्दिक पंड्या लंबे समय से टीम के कप्तान के रूप में देखे जा रहे हैं, उन्हें आगे लंबा वक्त दिया जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि हार्दिक जब भी दिल्ली आते हैं मुझसे मिलते हैं। दरअसल सिलेक्टर्स और प्लेयर्स के बीच एक अलग बॉन्डिंग होती है, प्लेयर्स को सिलेक्टर से बात करनी होती है, हर खिलाड़ी मुझसे बात करता है, रोहित शर्मा मुझसे आधे आधे घंटे फोन पर बात करते हैं, हार्दिक पंड्या जब भी दिल्ली आते हैं मुझसे मिलते हैं। एक बार उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि सर आप कहाँ हैं, मैंने कहा कि अपने घर पे हूँ। वो मेरे घर आ गए, हमने अपने घर में बात की, क्योंकि हमारे बीच जो बातचीत होती है वो बाहर नहीं हो सकती। हम इंडियन टीम के बारे में सोचते हैं, हम इंडियन टीम की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे में उसे सीक्रेट बात का रूप देना जरूरी है। वैसे भी मेरे और प्लेयर्स के बीच जो बातचीत होती है वो इस कमरे के बाहर नहीं जाएगी, सभी को पता है कि मेरा पेट कितना स्ट्रांग है। चेतन शर्मा संजू सैमसन पर भी कहते हैं कि हम एक साथ एक टीम में 3 विकेट कीपर कैसे ले सकते हैं। वो ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि किस तरह से ईशान किशन की एक डबल सेंचुरी वाली परी ने 3-3 प्लेयर्स के करियर पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। आप इन फॉर्म चल रहे ईशान किशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते, ऋषभ पंत तो इस वक्त इंजर्ड हैं, एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अगर आप संजू सैमसन को नहीं लेंगे तो ट्विटर पर आपको पूरी तरीके से ट्रोल किया जाएगा। संजू के फैंस बहुत लॉयल हैं और वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो चयनकर्ताओं को हर किसी को खुश रखना होता है, और मैंने अपने कार्यकाल में कभी भी वोटिंग की नौबत नहीं आने दी, क्योंकि जब आप वोट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि चयनकर्ता आपस में ही एकजुट नहीं है। क्योंकि मैं पॉलिटिशियन रह चुका हूं तो उसका मुझे फायदा मिलता है। मैंने हमेशा बतौर चयनकर्ता चयन समिति में एकजुटता लाने की कोशिश की है, और एक ये मुश्किल टास्क है। लोगों को ज़रूर आसान लगता होगा, लेकिन एक ये टफ टास्क है। बहरहाल अब इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद बीसीसीआई मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा पर क्या एक्शन लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पोर्ट्स डेस्क के लिए अंशुल तलमले की रिपोर्ट।